अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल भलवाली मुंडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो मिस वाओ पर है और उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच सकें। तो चलते हैं मिस वाओ की पहली वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, मैंने म्यूज़िक और सॉन्ग इसलिए काटा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो व्यूवर्स, आपने अभी ये फुल वीडियो नहीं आई, तो वीडियो फुल आपके जो चल रही होगी। तो व्यूवर्स, आप देख लें, पहले टिकटॉक पे कम बघाड़ती है जो ये भी साथ शुरू होगी। कभी अली खान, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ नामहरम अफराद के साथ वीडियोस बनाना और ऐसी बघाड़ती करना। बच्चे बच्चे देख रहे हैं टिकटॉक, देखें, ये बच्चों को ख़राब करी, बड़ों को ख़राब करी। फिर कहती हैं कि हम पे इल्ज़ाम लग रहे, हमें हमारी वीडियोस लीक हो रही, ऐसे कमेंट्स आते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पे कहती हैं हम बहुत नेक हैं। अगर ये मुसलमान की बच्ची है तो ये सर पर दुपट्टा करे, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं करके बैठती। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये एक टूल प्लाजा है और ये टूल प्लाजे पे दरमियान में डांस कर रही, रोड पे, मोटरवे पे डांस कर रही, इसको ज़रा भी नहीं शर्म आ रही। ये एक मुसलमान की बच्ची है, देख लें, ये मुसलमानों की अगर ये हालत है तो फिर दूसरों यहूदियों, काफरों वगैरह की, ईसाइयों की क्या हालत होगी। तो व्यूवर्स, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो रहने वाले पाकिस्तानी है, मुसलमान भाई, वही पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। देखें, जो अब काफिर लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि ये मुसलमान है। यही कहते थे कि सर पर दुपट्टा करो, औरत को इज्जत दो, उसको घर बिठाओ, पर्दे में रखो, ये पर्दा है। व्यूवर्स, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पहली वीडियो में बात की है कि ये फिर रोते हैं, ये इनकी वीडियोस लीक होती हैं तो फिर ये रोते हैं और लोग बैड कमेंट करते हैं तो फिर भी ये रोते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो एंड पे मैं बताऊंगा कि ये क्यों रोते हैं। ये आप खुद भी देख रहे हैं, इन अपनी हरकतों की वजह से रोते हैं। कोई इन पे इल्ज़ाम कैसे लगाए जब तक ये बुरी आदत ना करें। तो व्यूवर्स, इसकी थर्ड वीडियो की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, अब पाकिस्तान के बच्चे अवाम क्यों ना ख़राब हो गए और इनको बैड कमेंट क्यों ना करें। आप खुद ही समझदार हैं, देख रहे हैं वीडियो को और वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ये हर बंदे तक पहुंच सके और इसकी आईडी को रिपोर्ट मारें और ये न्यू आईडी बनाए फिर भी रिपोर्ट मारें ताकि ये इनका अकाउंट फ्रीज हो जाए, ये ना ऐसी बघाड़ती ना फैला सकें, ताकि पाकिस्तान की इज्जत भी बचे और हमारे जो बड़े हैं उनकी भी इज्जत बचे। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं, साथ साथ इसकी मैं लीक वीडियोज़ और लीक फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा रहा हूँ इस वीडियो में। तो व्यूवर्स, आप खुद ही देख लें ये फिर क्यों रोते हैं। और ये कुछ अगर ये इज्जतदार हों तो ये चुटकी भर पानी में डूब मरें। तो व्यूवर्स, अब इसकी फोर्थ वीडियो की तरफ चलते हैं और एंड पे मैं इसके जो जिस वजह से ये रोते हैं ना वो भी मैं बताऊंगा। व्यूवर्स, अगर ये जिम कर रही है तो अच्छी बात है, ये जिम करे, पर ये वीडियो क्यों बना रही है? अगर वीडियो बना भी ली तो टिकटॉक पे क्यों अपलोड कर रही? अगर इसको अपनी इज्जत का ख्याल होता ज़रा भी
तो ये वीडियो नहीं अपलोड करती, फिर बाद में रोती भी नहीं है। अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करें इसकी लीक वीडियोस, मेरी भी आएगी और ऐसी बहुत सी लीक वीडियोस आएंगी जिससे ये इनकी इज्जत ज़रा भी नहीं रहती। व्यूअर्स, अब लास्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और इस लास्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि ये क्यों रोती हैं और लोग कैसे इनकी वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मिस वाओ मैडम रो रही हैं, ये अपनी गलती की वजह से रो रही हैं ना, हमारी तो नहीं गलती ना। अगर ये ऐसी वीडियोस ना अपलोड करती, इसकी वीडियो लीक ना होती तो ये रोती? अगर इनकी गलती ना होती तो इनको क्यों सज़ा मिलती? तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।